हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोशिफ एंड यू आर वाचिंग यूआई डेवलपर कोड। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस क्लिप पाथ। सीएसएस क्लिप पाथ को क्यों यूज़ करते हैं और उसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ होती है और इसको हम कितनी आसानी से कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखते रहिए यूआई डेवलपर कोड। तो गाइस, सबसे पहले ये देखते हैं क्लिप पाथ होता क्या है। तो क्लिप पाथ एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस की, जो हमें अलाउ करती है कि किसी भी एलिमेंट को हम एक स्पेसिफिक एरिया को डिस्प्ले करा सकते हैं। वो एरिया किसी भी शेप में हो सकता है, सर्कल में हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है या ट्रायंगल हो सकता है। तो सीएसएस क्लिप पाथ जो एक प्रॉपर्टी होती है, वो एक क्लिपिंग क्रिएट कर देती है उस एरिया के लिए, ताकि हम उस एरिया को देख सकें। तो क्लिप पाथ की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, वो कितने टाइप की होती है? तो ये 4 टाइप की होती है। सबसे पहले आता है सर्कल, देन आता है एलिप्स, इनसेट और लास्ट में आता है पॉलीगन। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पॉलीगन। तो आज हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके देखने वाले हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ करते हैं और इनकी हेल्प से हम कैसे एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करा सकते हैं, उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं, आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्कल के बारे में देख लेते हैं। सिंपली इस प्रॉपर्टी को किसी भी एलिमेंट पर लगा सकते हैं, इमेज पर लगा सकते हैं, डिव पर या पैराग्राफ पर लगा सकते हैं। तो जब आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो सिंपल जो ये ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ब्रैकेट्स में हमें वैल्यूज़ देनी होगी। अब ये वैल्यूज़ क्या देनी होगी, इसके लिए मैं आपको एक ग्राफिक्स समझाता हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको तभी सारे पॉइंट्स क्लियर हो पाएंगे। मैं आपको ग्राफिक्स पर समझाता हूँ कि हमें इस ब्रैकेट्स में कैसे कैसे वैल्यूज़ देनी होंगी और हम इस वैल्यूज़ को कैसे काउंट करते हैं। तो गाइज, आप इस इमेज में देखेंगे, ये मैंने पूरी एक इमेज ली है। अब अगर इस इमेज में मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, इस सर्कल को सिर्फ डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए। तो सबसे पहले मुझे सर्कल का रेडियस चाहिए, कि मुझे सर्कल का जो सर्कल कितना बड़े साइज़ का बनाना है, उसके लिए मुझे रेडियस चाहिए। और सर्कल मुझे कहाँ पर ड्रॉ करना है, उसके लिए मुझे एक्स और वाई एक्सिस चाहिए, यानी कि एक्स एक्सिस यहाँ से कितनी दूरी पर रखना है और टॉप से कितनी दूरी पर रखना है, यानी कि सर्कल को कहाँ पर प्रेस कराना है। तो मुझे दो वैल्यू चाहिए, एक तो रेडियस चाहिए और दूसरी वैल्यू चाहिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू चाहिए। तो उसको बनाते कैसे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड लिया है, उसके लिए मैंने इस बैकग्राउंड में एक इमेज ले ली है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्लिप पाथ की प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि आपको हम किसी भी क्लिप पाथ किसी भी एलिमेंट पर लगा सकते हैं, डिव पर, किसी भी इमेज पर। तो यहाँ पर सिंपली हमें टाइप करना है क्लिप पाथ, और सबसे पहले वाली जो प्रॉपर्टी है वो सर्कल। अब सर्कल में हमें वैल्यूज़ देनी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्कल में रेडियस चाहिए और रेडियस को कहाँ पर प्लेस करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सबसे पहले हम रेडियस की वैल्यू ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए मुझे 200 पिक्सल, यहाँ पर आप परसेंटेज में भी ले सकते हैं, मैंने पिक्सल में ले लिया है। तो ये तो होगी रेडियस की वैल्यू। अब रेडियस को कहाँ पर प्लेस करना है, कहाँ पर डिस्प्ले कराना है, तो हम ऐड लगा के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू लिखेंगे। सपोज़ कीजिए मुझे बिल्कुल मिडिल में बनाना है, तो मैं एक्सेस की वैल्यू दूंगा 50% और स्पेस देकर वाई एक्सेस की वैल्यू 50%। तो ये तो हो गई रेडियस की वैल्यू और ये हो गई एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की वैल्यू। अब इसको सेव करके एक बार देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये बिल्कुल मिडिल में आ गया है और इसकी रेडियस की वैल्यू 200 पिक्सल है यहाँ से, और यहाँ से इसने मिडिल में ले लिया है। अगर मैं आपको एक्सेस थोड़ा सा कम करके दिखाता हूँ वाई एक्सेस, तो देखिए ये इधर आ जाएगा। अगर मैं इसको 30% कर देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये देखिए इधर आ गया इसने, यहाँ से 30%, ये हमेशा मिडिल से काउंट करेगा। अगर मैं वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ 30%, तो ये यहाँ इसके मिडिल से काउंट कर रहा है 30%, ऐसे ही ये यहाँ से काउंट कर रहा है 30%। अगर मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू ज़ीरो कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल इसका जो रेडियस है यहाँ से मिडिल में चला जाएगा, क्योंकि ये हमेशा यहाँ से काउंट कर रहा है। अब इसको एक्स और वाई एक्सिस वैल्यू ज़ीरो मिल रही है, तो इसका जो मिडिल पॉइंट है यहाँ पर आ गया बिल्कुल। अब अगर मैं आपको यहाँ पर मैं परसेंटेज में भी लेके वैल्यू दिखा देता हूँ, अगर परसेंटेज में मैं इसको 200% ले लेता हूँ और सेम वैसे ही 50% कर देता हूँ, तो हमारे पास बिल्कुल सेम शेप आनी चाहिए जैसे पहले आई थी। इसको मैं सेव करता हूँ, तो देखिए एग्जैक्ट वही शेप आ गया जो पहले शेप आ रही थी। तो इसको बनाना बहुत ईजी है दोस्तों। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो मैं वादा करता हूँ आप क्लिप पाथ बहुत अच्छे से सीख जाओगे। और लास्ट में मैं पॉलीगन प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ। पॉलीगन प्रॉपर्टीज़ बहुत यूज़ होती है, इसके हेल्प से हम कस्टम शेप्स बनाते हैं। अब जब कस्टम की बात आती है, थोड़ा सा वो टफ होता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से सीख जाएंगे, तो बहुत आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।
और मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा कि पॉलीगन्स प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ यूज होती है, और वेबसाइट के आजकल जो ट्रेंड चल रहे हैं, ट्रेंड डिज़ाइन चल रहे हैं, वहाँ पे इस प्रॉपर्टीज़ का बहुत यूज़ होता है। तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको वो सब डिज़ाइन दिखाऊंगा जो आप बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी होती है एलिप्स, ये सर्कल के सिमिलर ही होती है। अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो हमें सर्कल में सिर्फ एक वैल्यू चाहिए थी रेडियस की, लेकिन हम इसको एलिप्स में बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर दो वैल्यू चाहिए, एक तो हमें हॉरिजॉन्टल वैल्यू चाहिए और एक वर्टिकल वैल्यू चाहिए, और सेम सर्कल की तरह हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी चाहिए। तो ये बिल्कुल सर्कल के सिमिलर ही है। चलिए इसको भी देखते हैं इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर एलिप्स कर देता हूँ, और यहाँ पर मुझे जैसे कि मैंने बोला दो वैल्यू चाहिए मुझे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू दी है, ऐसे ही मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ी सी कम कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ 30%, क्योंकि मुझे दो वैल्यू चाहिए। अब इसको मैं अगर सेव करके देखता हूँ तो अगर आप देखेंगे आप, ये ऐसे वैल्यू बन गई है। इसको यहाँ पर एक्स जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू मिली है वो मिली है 10%, और वर्टिकल जो वैल्यू मिली है उसको मिली है 30%। हम इसकी जो ऐसे ये लेंथ, इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ सॉरी वर्टिकल लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, हम इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर वैल्यू अगर चेंज कर देंगे तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पर 30% कर देता हूँ और इसको 10% कर देता हूँ तो अब जो शेप बनेगी वो ऐसे बन जाएगी शेप। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया इसको, क्योंकि परसेंटेज में ले रहा है। मैं इसको आप पिक्सल में लेके दिखाता हूँ, 300 पिक्सल, और इसको कर लेते हैं 100 पिक्सल, तो आप इजीली आप समझ पाएंगे। ये देखिए अब ऐसे शेप बन गई है। हम इसको चाहे वर्टिकल बना सकते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं, हम कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस एलिप्स के बाद अब बात करते हैं इनसेट की। तो इनसेट बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, इसमें हमें सिंपल 4 वैल्यूज़ देनी होंगी, टॉप से, राइट से, बॉटम से और लेफ्ट से। तो हमारा रेक्टेंगुलर स्क्वायर हम जो भी वैल्यू शेप बनाना चाहें वो बन सकती है। तो गाइस अब देखते हैं इनसेट कैसे यूज़ करता है। सिंपली मैं यहाँ पर इनसेट लिखूँगा, यहाँ पर अगर मैं आपको देख के दिखाता हूँ प्रॉपर्टी कैसे करती है। हमें सिंपल हमें यहाँ पे 4 वैल्यूज देनी है, जैसे अगर मैं देता हूँ 10%, यहाँ 20%, इसको ले लेते हैं 30%, इसको ले लेते हैं 40%। तो इसको अगर सेव करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पर वैल्यूज बन गई है। सबसे पहले यहाँ से 10% ले रहा है वैल्यू, ये ऐसे वर्क करता है, यहाँ टॉप से, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। सपोज कीजिए मुझे इसको यहाँ पर ड्रॉ करना है या मिडिल में ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मैं जो वैल्यूज़ है उनको चेंज करना होगा। तो लेफ्ट वैल्यू अगर मैं 10% कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 40%, और मैं इसको कर देता हूँ 40%, इसको 30% कर देता हूँ, इसको सेव करके देखते हैं। तो अब देखेंगे ये हमारा रेक्टेंगुलर बन गया है, क्योंकि यहाँ पर इसको लेफ्ट से वैल्यू कम मिली है इसलिए हमारी इसकी शेप ऐसी बन गई है। हम इसको स्क्वायर में बना सकते हैं, जैसी हम शेप में चाहें इसको बना सकते हैं। अगर मैं इसको टॉप से 0 करता हूँ तो ये 0 से, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं मिली तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ लेफ्ट से कम करता हूँ, लेफ्ट की वैल्यू ये वाली है, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो आप अच्छे समझ गए होंगे कि कैसे वर्क करता है, इसकी वैल्यूज़ कैसे दी जाती हैं और कैसे वर्क करता है। तो गाइस लास्ट में आता है पॉलीगन, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्रॉपर्टी है, आप इसको ध्यान से समझना। ये दूसरी प्रॉपर्टी से थोड़ी सी टफ है, लेकिन अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आप इसको ईजिली यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए इसको भी मुझे ग्राफिकली समझाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आप इसको एक बार समझ लेते हैं कि वर्क कैसे करता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक शेप ली है, कस्टम शेप ली है। हम पॉलीगन की हेल्प से, पॉलीगन का सबसे बड़ा अच्छा बेनिफिट ये है कि हम इसकी हेल्प से कोई भी कस्टम शेप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये शेप ली है, इस शेप को मुझे कैसे ड्रॉ करना है ये देख लेते हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये इसके 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं। तो इन 4 पॉइंट्स के लिए हमें एक्स और वाई एक्सिस चाहिए, यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स चाहिए हर पॉइंट्स के लिए। जैसे मैथ्स, जैसे हम स्कूल में मैथ्स में देखते थे, वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पढ़ाए हमने। तो अगर आप वो एक बार भूल गया तो मैं एक बार दोबारा से आपको याद दिला दूंगा। पहले समझ लेते हैं कोऑर्डिनेट्स वर्क कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कैसे निकलती है। अगर ये हमें समझ में आ जाएगा तो पॉलीगन में हमें ईजिली समझ में आ जाएगा। तो सपोज़ कीजिए हमें ये इमेज ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए 4 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ये कोऑर्डिनेट्स, ये वाला और ये वाला। अब ये वर्क कैसे करता है, तो अगर मुझे यहाँ पे सपोज़ कीजिए एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, सबसे पहले हम यहाँ से लेके स्टार्ट करेंगे। तो ये वर्क कैसे करती है एक्स की और वाई की वैल्यूज, तो एक्स की वैल्यू हमेशा यहाँ लेफ्ट से काउंट होगी, लेफ्ट से जितना ये आगे इधर बढ़ेगा उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और सेम वाई के केस में होगा, वाई के केस में वर्टिकल वैल्यू बढ़ती है। टॉप से अगर कोई पॉइंट्स यहाँ मिडिल में है तो उसको हम यहाँ से काउंट करेंगे।
तो इस वाली शेप के केस में क्या हो रहा है, हमारा सबसे पहला पॉइंट्स यहाँ पर बन रहा है। पॉलीगन में क्या होता है, जैसे और सब प्रॉपर्टीज में हो रहा है, हमें ब्रैकेट्स के बाद सिंपल हमें वैल्यूज़ डिफाइन करते जाना है। ब्रैकेट्स में हम एक्स वाई की वैल्यू डालते जाएंगे और जितनी भी हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, अभी इस वाली शेप में हम देख पा रहे हैं 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। हो सकता है दूसरी हम शेप बनाएं, कस्टम शेप बनाएं, उसमें 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7-8 भी हो सकते हैं। तो जितनी भी हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, हमें सिंपली ब्रैकेट में वो वैल्यूज डालते जाना, कोमा लगाकर वैल्यूज़ को बढ़ाते जाना है, वो शेप अपने आप बन जाएगी। तो इस केस में हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, तो उसको देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट्स हमारे पास, ये पॉइंट्स हैं, तो इस पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से मैंने बोला कि लेफ़्ट से एक्स काउंट होता है, तो एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से ऐसे चलेंगे तो इसकी केस में एक्स की वैल्यू बैठ रही है 50%, मिडिल में लिया हुआ है मैंने। और यहाँ से वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमारी फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई 50% और 0। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको हटाकर पॉलीगन लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं पॉलीगन्स की वैल्यू देता हूँ। तो सबसे पहली वाली जो हमारी वैल्यूज आई है, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए हैं, वो आए हैं 50% और 0। तो यहाँ पर 50% और 0 दे देंगे। अब इस वाले कोऑर्डिनेट्स के लिए देख लेते हैं, इसके लिए एक्स की क्या वैल्यू होगी। मैंने बोला है एक्स को हमेशा लेफ्ट से काउंट करना है और वाई को टॉप से काउंट करना है। तो इस वाले केस में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं तो एक्स की वैल्यू होगी 100%, और यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू होगी 50%। तो इस वाले कोऑर्डिनेट्स के लिए होगी 100% और 50%। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 100% और 50%। तो गाइज़ अब बात करते हैं इस वाले कोऑर्डिनेट्स की। तो इस वाले कोऑर्डिनेट्स में एक्स की वैल्यू फिर हम यहीं से काउंट करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ रही है 50%, और वाई की वैल्यू यहाँ से हम टॉप से काउंट करते हैं तो टॉप से आ रही है 100%। तो इस वाले कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू होगी 50% और 100%। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 50% और 100%। सेम इस वाले कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी, एक्स तो यहाँ से स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो एक्स की वैल्यू होगी 0, और वाई की वैल्यू हमेशा टॉप से काउंट करते हैं तो वाई से इसकी वैल्यू होगी टॉप से 50%। तो इस वाले कोऑर्डिनेट्स में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0 और 50%। तो हम यहाँ लास्ट वैल्यू देते हैं 0 एंड 50%। अब इसको सेव करके देखते हैं कि हमारी जो हमने शेप ड्रॉ की है वो एक्चुअली में बनी है या नहीं बनी है। तो अगर मैं ब्राउज़र पर जाकर देखता हूँ तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट वही शेप बन गई है जो हमने शेप बनाई है। तो ये बहुत ही इजी है, अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है। आप इसको एक बार अच्छे से समझ लें तो हम जैसे मर्जी शेप चाहें वो बना सकते हैं। मैं आपको पॉलीगन से रिलेटेड एक वेबसाइट दिखाता हूँ जहाँ पर आपको बहुत सारी शेप मिल जाएंगी। अगर मैं सिंपल सर्च करता हूँ क्लिप पाथ, तो ये वाली वेबसाइट आती है bennettfilly.com। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी शेप्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर हम जिस पर भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो शेप बन जाती है और उससे रिलेटेड कोड जो है यहाँ पर बन जाता है। हम सिंपल इस कोड को कॉपी पेस्ट करके भी अपनी शेप बना सकते हैं। मैं इसको कॉपी करके अपने कोड में दिखाता हूँ। अब अगर मैं इसको यहाँ पर उस कोड को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, सेव करके देखते हैं, तो अगर ये देखते हैं, देखिए सेम शेप, सेम टू सेम शेप बन गई है। हम काफ़ी सारी शेप चूज़ कर सकते हैं, ये वाली शेप चूज़ कर सकते हैं, इसका कोड उठा सकते हैं, इसके कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और जाकर देखेंगे तो सेम शेप बन गई। तो यहाँ से भी गाइस आप बहुत सारी शेप्स का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको शेप पसंद आती है वो शेप को यूज़ कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले करा सकते हैं उस शेप को। गाइस इस वेबसाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसको यहाँ पर शेप को कस्टम भी कर सकते हैं। देखिए हम इसको यहाँ पर कस्टम भी बना सकते हैं, तो जैसा भी हमारे डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम इस शेप को कस्टम करके यहाँ से कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर भी गाइस अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं उन वेबसाइट्स की जो मैंने आपको बोला था कि जो बहुत ट्रेंड्स में है और जिनमें क्लिप पाथ का बहुत यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। तो इस वेबसाइट का अगर आप डिज़ाइन देखेंगे, देखिए ये शेप आ रही है, ये क्लिप पाथ की हेल्प से ही बनने वाली है। ये शेप देख सकते हैं आप, ये शेप जो है इस तरह के डिज़ाइन आजकल ट्रेंड में है और इनमें क्लिप पाथ की बहुत यूज़ होता है। दूसरा डिज़ाइन देख लेते हैं, देखिए ये शेप आ रही है, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये शेप बन रही है, थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये शेप बन रही है। तो यहाँ पर क्लिप पाथ का बहुत यूज़ होने वाला है। अगर हमें क्लिप पाथ नहीं आएगा तो हम इस तरह के डिज़ाइन कैसे बना पाएंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन आजकल ट्रेंड में बहुत हैं और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो अगर हम क्लिप पाथ एक बार अच्छे से सीख जाएंगे तो हम इन डिज़ाइन को ईजिली बना पाएंगे। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डालें आप उसको सबसे पहले देख सकें।